Good morning, student. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. चलिए आज हम लोग कुछ कुछ आप लोगों का जो अनसॉल्व टॉपिक है और एग्जीबिशन के लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसी में से हम लोग आज सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फूड चेन, है ना। फूड चेन, फूड चेन सुने हो? साइकिल सब कोई चलाते हो? बाइसिकल, मोटरसाइकिल। अनामिका क्या कर रही हैं आप? प्लीज चेन देखा हो ना साइकिल में? वो कैसा रहता है? घूम फिर के क्या मतलब, एक जगह से फिर चलता है, लेकिन उसी इंड जहां से स्टार्ट हुआ इंड भी वहीं से फिर स्टार्ट, ऐसा देखे हो? तो ये साइकिल की तरह चेन बनाता है, एक प्रकार का क्या बनाता है? चेन बनाता है। कोई दिक्कत? अब फूड चेन समझ में आ गया? मतलब भोजन का चक्र, भोजन का चक्र, ठीक है, एक प्रकार का चक्का देखे हो? yes, कैसे गोल गोल घूमता है, वहीं पर फिर आ जाता है। yes, आप लोग सब देखे हो छोटा बच्चे का गाड़ी? yes, घुमा वही वहां से स्टार्ट होगा व्हील और फिर वहीं पहुंचता है। yes, साइकिल देखे हो ना सब, ये सब तो सारे लोग देखे हैं। yes, तो फूड मीन्स भोजन, भोजन देखे हैं तो भोजन में चैन फिट कर देना है। क्या फिट कर देंगे? मतलब स्टार्ट कैसे हो रहा है, फिर कहां एंड हो रहा है, हाउ टू स्टार्ट हाउ टू एंड, है ना। कहां से फिर स्टार्ट हो जाए, वहीं से मतलब फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? हाँ, तो फूड चैन हटा दें, कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसे अभी जस्ट हम लोग सैटरडे को बाहर असेंबली जब कर रहे थे तो ग्रास था? यस सर। था कि नहीं? यस सर। क्या है? ग्रास। ग्रास में तो सबको पता है। यस सर। घास, है ना? यस सर। तो ये क्या हुआ? ये प्रोड्यूसर हुआ। क्या हुआ? प्रोड्यूसर। इसको प्रोड्यूसर लिख देते हैं, है ना। P for producer, है ना। घास को बहुत लोग खाते हैं। yes, yes, sir. मतलब लोग मतलब हर इंसान नहीं, है ना, खाते हैं। yes, ऐसे इंसान भी ग्रास का रूप yes, sir, yes, sir. लेते हैं हम लोग, उसके मतलब ग्रुप का बहुत सारा चीज हम लोग इंटेक करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं। लेकिन अब देखो प्रोड्यूसर है, मतलब ये स्टार्ट हो गया, कहां से हुआ? ग्रास से। ग्रास से क्या होता है? स्टार्ट हुआ फूड चैन। ये क्या है? फूड चैन। इसको बीच में फूड चैन लिख देते हैं, याद रखेगा। ऐसे आप लोग को भुलक्कड़ नहीं ना हो, भूल जाते हो, है ना। यहाँ पढ़ा लीजिए सर, घर जाते जाते तो हम भूल जाएंगे, मम्मी पापा पूछेंगे का पता, कोची कोची बता दिए सर, पता ही नहीं चला, है ना। क्या जी सोनाली? सोनाली हमेशा यही बोलती है। अब देखिए ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास हूपर। कौन खाएगा? ग्रास हूपर। ग्रास हूपर। ग्रास को कौन खाया? ग्रास हूपर। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। P for प्राइमरी, C for कंज्यूमर। समझ जाओगे ना? यस सर। चैन बन रहा है? यस सर। घास को किसने खाया? ग्रास हूपर, है ना।
इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। अब ग्रास को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। अनामिका पहले आप अच्छे से बैठिए, आप लोगों को पोजीशन बताया हुआ है, प्लीज डिसिप्लिन मेंटेन रखिए क्लास में। ग्रास को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या श्वेता, ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर। अब ग्रास को किसने खाया? ग्रास ने खाया। तो ग्रास को नाम दे दिए प्राइमरी कंज्यूमर, पी फोर प्राइमरी सी फोर कंज्यूमर, है ना? यस सर। पीसी ग्रास ऊपर क्या हो गया? पीसी। ग्रास क्या हो गया? पीसी। ग्रास हो गया पीसी? नो सर। हाँ सर, हाँ ग्रास ऊपर हो गया पीसी, प्रोड्यूसर हो गया ग्रास। तो ध्यान देना है कि सर कहीं गलत पढ़ा तो नहीं रहे हैं ना, तब ना स्मार्ट बनोगे आप। हम दिन बोल दे तो दिन है, रात बोलते तो रात है, रात होगा तो रात बोलेंगे, अभी दिन है तो दिन बोलेंगे, है ना? आपको कोई उल्लू बना के नहीं जाए, ध्यान देना है। पढ़ाई तो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बस हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो ग्रास को क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रोड्यूसर। ग्रास इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, ठीक है? इसी से स्टार्ट हुआ, फूड चेन किससे स्टार्ट हो रहा है? प्रोड्यूसर से, है ना? प्रोड्यूसर को किसने खाया? प्राइमरी कंज्यूमर, है ना? पीसी ग्रास ऊपर, ग्रास को खा गया, नहीं खाता है? Yes, sir. सारा जहां आता है सब घास क्या हो जाता है? सफाचट, नहीं दम प्लेट दम साफ कर देता है, है ना? अब ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। अब फ्रॉग को सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, S4 सेकेंडरी, C4 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंज्यूमर, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। अब फ्रॉग को स्नेक खाता है? यस सर। हां? यस सर। नहीं देखे हो, हमेशा देखते होगे? यस सर। सांप मेंढक को पकड़ लिया है? यस सर। सांप बैठल है, नहीं बोलते हैं? यस सर। स्नेक क्या हो जाएगा? स्नेक। इसको बोलेंगे ट्रेटरी कंज्यूमर, T4 ट्रेटरी कंज्यूमर, है ना? यस सर। प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ट्रेटरी कंज्यूमर, है ना? अब इसको खाने वाला ईगल, हॉग, नहीं क्या है ये सब होता है? यस सर। है ना? इसको बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर, क्या बोलेंगे? फाइनल कंज्यूमर। F4 फाइनल। अब देखिए प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर, ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिए पहले, आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, अब दम ध्यान देना है क्योंकि इसके बाद लास्ट स्टेप, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्टियरी कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, ठीक है? अब मोटा मोटी ये जब ईगल या कुछ भी मरते हैं तो क्या होते हैं? डिकम्पोजर हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, होते हैं? Yes. Yes. हो जाते हैं कि नहीं होते हैं? अब देखिए अब ध्यान से समझ जाएगा, फूड चेन कंप्लीट हो चुका है। बोलोगे सर कैसे कंप्लीट हो गया? अब देखो, अब इसमें अलग अलग उदाहरण डाल सकते हो, है ना? अलग अलग तरीके का बना सकते हो, इसमें ये जरूरी नहीं है कि घास है, लेकिन एक समझाने के लिए बेसिक आप लोग के क्लास के लेवल के लिए, सी क्लास के लिए ठीक है ना? ग्रास
प्रोड्यूसर हो गया। आराम से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, इसको एकदम फिट कर लेना है दिमाग में, याद नहीं करना है, याद तो ऐसे भी हो जाएगा। प्रोड्यूसर को खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर एंड लास्ट सड़ गल के मर के मिट्टी में दफन। और मिट्टी में दफन होने के बाद देखते हो घास उग जाता है। yes, sir. और जहां पे कुछ ज्यादा सड़ गल कर ये होता है तो और तेजी से उसमें घास उगता होगा। yes, sir. देखे हो? yes, sir. आ? Yes, sir. उर्वरक का काम करता है वो, अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है, इसलिए उसमें फिर से तेजी से घास उगेगा। yes, sir. और घास उगेगा फिर से तो फिर 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 मतलब उगेगा, मरेगा, खाएगा, फिर से हो जाएगा, ये खत्म होगा। लेकिन इसमें से कोई एक अगर गड़बड़ हुआ पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा। अब सपोज करो घास खाने वाला ही कोई ना रहे तो पूरे संसार में घास की कितनी वृद्धि हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगा। yes, मान लो ठीक है ग्रास ऊपर ठीक है ये रहा, लेकिन इसी को खाने वाला अगर ये ना रहे, देखते हो बरसात के दिनों में मेंढक को छोड़ दो बहुत सारी फतिंगियां कीट आ जाती हैं। yes, अगर छिपकली ना हो, मेंढक ना हो, ये सब चीजें कीट पतंगे खाने वाले जानवर ना रहे तो उनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बहुत। तो हम लोग तो देखते हो कितना दिक्कत होने लगता है पढ़ाई के समय, जैसे ही लाइट जलाते हैं तो खाना में कीट पतंगा सब फट फट गिरने लगता है। yes, तो प्रॉब्लम होने लगता है। yes, और अगर मतलब उसको मेढक ये सब चीजों को खाने वाला अगर स्नेक ना हो, या और भी स्नेक की तरह और भी जो है खाने वाले अगर ना हो तो इनकी जनसंख्या बहुत हो जाएगी। yes, है? Yes. समझ रहे हो? yes, मतलब इस फूड चैन में अगर एक भी कड़ी एक भी स्टेप गड़बड़ होता है तो पूरा बैलेंस क्या हो जाता है? अनबैलेंस हो जाएगा। देखते हो साइकिल चलाते चलाते एक बैग चैन अगर गिर जाए तो क्या हो जाता है? आप गिर सकते हो या साइकिल चलना बंद हो जाएगा, मतलब लाइफ ठहर जाएगा, रुक जाएगा। इट मींस चलेगा सही से, असंतुलन हो जाएगी हमारे लाइफ में। समझ रहे हो? yes, sir. तो किसी एक का भी बढ़ना गड़बड़ है ज्यादा। अगर बैलेंस में है तो मजा आता है। ठीक है घास होगा, ठीक है अच्छी बात है, नहीं उसको खाने वाला भी तो है ना। नहीं अब तुम्हारे यहाँ लौकी खूब होने लगे, छत पे होता है ना सबके यहाँ घर देहात में गांव में, अब लौकी बहुत होने लगे, मतलब एक एक दिन में 200-200 हो जाए, खाओगे? अब सबके घर में पूरे गांव में 200-200 सबके यहाँ होने लगे तो उसका क्या करोगे? कोई नहीं खाएगा, खा पाएगा? ज्यादा होने लगता है तो उसका बैलेंस गड़बड़ होने लगता है ना, नहीं होने लगता है। लेकिन खाने भर हो थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो चलता है, नहीं कुछ उसको देके कुछ उसको देके मतलब तो खत्म कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। क्लियर है? मींस इसमें से एक भी स्टेप अगर गड़बड़ होगा तो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। पहले क्या आएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के एग्जांपल में क्या देंगे? ग्रास। फर्स्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में एग्जांपल दे देंगे ग्रास ऊपर का। यस सर। देन सेकेंडरी कंज्यूमर, एग्जांपल फ्रॉग। वेरी गुड। सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक। वेरी गुड।
एंड फाइनल फाइनल का जो ऊपर ईगल हो, बहुत सारा इसमें जरूरी नहीं है कि हम स्नेक दिए हैं तो स्नेक की जगह कुछ और नहीं हो सकता है, है ना, क्लियर है। और ये लास्ट में क्या हो जाता है, मरने के बाद तो मिट्टी में ये होगा ना, कि नहीं होगा, उसके स्किन बोन सब भी कंपोज हो जाते हैं। देखते हो चूहा मरता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर मिट्टी की तरफ कहीं फेंकते हैं या दफन करते हैं या मिट्टी में ढाक देते हैं, करते हैं तो क्या हो जाता है कुछ दिन के बाद धीरे 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 उसको चींटियां खा खा कर या कुछ और खा खा कर उसमें क्या करते हैं, उसको मिट्टी का रूप दे देते हैं, बन जाता है धीरे धीरे, मिट्टी में मिल जाता है, सड़ गल जाता है, बचा जो खाने वाले हैं उसको डिकम्पोज करने में भी बहुत सारे एनिमल पार्ट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाता है, देखते हो उसका कीड़ा मकोड़ा अलग होता है, कभी देखे होंगे जब चूहा मर जाता है उसमें बहुत सारे कीड़ा लग जाते हैं उसको, मतलब खाने के लिए डिकम्पोज करने के लिए, और फिर डिकम्पोजर होने के बाद वो फिर क्या प्रोड्यूसर में आ जाता है, फिर ग्रास उससे उगते हैं कि नहीं, और फिर से वो चक्र चलने लगता है, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग फूड चैन को समझ लिए हैं, कौन एक बार एक्सप्लेन करेगा आके, कोई बच्चा आ जाइए, चलो आ जाओ, अब फर्स्ट बेंच पे ही बुला, सबको बुलाना जरूरी है, समझ गए हैं, एक बार देख लेते हैं समझा है कि नहीं, कोई बच्चा को रैंडम, चलो बताओ, पहले इधर इधर समझाइए, क्या समझे हो, कैसे हम जैसे समझाएं वैसे समझाइए, है ना जी, मतलब मानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है, चलिए बताइए जल्दी से। अच्छा बोलो, प्राइमरी कंज्यूमर का हो जाएगा एग्जांपल ग्रास ऊपर, हां ग्रास ऊपर क्या करता है, ग्रास ऊपर ग्रास खाता है, तो ऐसे बताइएगा ना, अब तुम लोग सवाल करो जी, ठीक है चलो बोलो उसके बाद। सेकेंडरी कंज्यूमर का हो जाएगा फ्रॉग, क्या क्या फ्रॉग, फ्रॉग ग्रास ऊपर को खाता है, ठीक है। टेरिटरी दफन नहीं भी होगा तो उसको क्या करते हैं मरने के बाद उसमें डिकम्पोजर बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगकर उसको क्या करते हैं सफा चढ़ है ना वो अपना पिकनिक मनाने लगते हैं नहीं नहीं देखे हो बहुत सारा आके उसको क्या करता है सब है ना और वो डिकम्पोजर होने के बाद फिर से ठीक है वो दिक्कत चलिए क्लैप कर दीजिए अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं फिर से बता देंगे अगर नहीं दिक्कत है तो फिर अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ा जाए yes, क्या जी अभिमान जी बता दीजिएगा yes, yes, पक्का yes, sir. क्या जी सोनाली बता दीजिएगा yes, चलिए वहीं से बताइए पहला क्या होगा पहला क्या होगा जी पहला क्या होगा उसके बाद उसके बाद मतलब ये चक्र जो है चक्का जो है रुकेगा नहीं समझ में आ रहा है yes, पहला क्या होगा फिर दूसरा हाँ तो डर काहे को रहे हैं प्राइमरी के बाद बोला नहीं जा रहा है ये डरपोक के तरह आप लोग कितना दिन डरते रहिएगा हम चाकू को लेके बैठे हुए हैं जी डंडा लेके बैठे हुए हैं कि नहीं बोलोगे तो दो डंडा ऐसा है
तो फिर बोलिए डरिए मत। पहला क्या होगा, रुक जाइए, बोलो। ग्रास, प्रोड्यूसर में क्या है? ग्रास। दूसरा? हाँ, तो ऐसे अब कैसे बोली निकलने लगा? ऐसे ही तेज बोलिए ना, बेवकूफ के तरह हरकत नहीं करना है। देखो, बेवकूफ करने का मतलब क्या है? चुप होना। अरे इंसान हो, थोड़ा अपना, हम लोग को भगवान के कितना खूबसूरत सा दिमाग दिए हैं, है ना? किसी को ठग के रसगुल्ला खा लेते हो तुम लोग, नहीं फुसला लेते हो, चॉकलेट दो ना, हमारे बर्थडे भी आएगा तो तुमको भी हम देंगे, फुसला लेते हो। अब यहाँ दिमाग ही नहीं चलता है ना, चलता है कि नहीं? सब यहाँ भूल जाते हो। अरे हमको भी फुसला लो बता बता के कि अगला टॉपिक अच्छा वाला पढ़ा दें, है ना? पहला क्या हो गया? ग्रास। दूसरा? ग्रासहॉपर। तीसरा? फ्रॉग। चौथा? स्नेक। पांचवा? फाइनल फिर? बिगोफोस। फिर? ग्रास। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हटा दें? यस सर। अब सारे बच्चे समझ गए? यस सर। अब जो नहीं आया होगा आज पछतावा होगा उसको? यस सर। यस सर। मजेदार क्लास छूट गया, सब रसगुल्ला गायब। अब बचा हुआ तो भाई अब ऐसे ही रहेगा ना। चलो कोई बात नहीं, जो जागा सो पाया, और जो सोया सो खोया, है ना? अब फूड चैन कभी भूल सकते हो? नो सर। देखो भूलना कभी नहीं है, अब इसको याद रखना है। कैसे? पेंटिंग कर लो, इसका ग्राफ सुंदर सा बनाओ। खेलने के लिए तुम लोग के पास सबसे अच्छा खूबसूरत सा क्या है औजार? ड्राइंग टूल किट, ड्राइंग किट। अरे टूल मतलब औजार नहीं, ब्रश हो गया, कलर ले लो, एकदम सुंदर सुंदर बहुत सारा दम बनाओ, सांप बनाओ बड़ा वाला, है ना? ईगल बनाओ एकदम बड़ा सा, नहीं एकदम बड़ा सा पास नहीं। अब बनाओगे तो याद भी रहेगा, अरे घास बनाया थे, घास को कौन खाता है? मतलब दिमाग में फिट है। और फ्रॉग को कौन खाता है? अब स्नेक को कौन खाता है? अच्छा, तब तो याद हो गया। चलो अब डन। यस सर। यस सर। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं, बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, है ना? आप लोग यही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? किधर गया? चलिए क्लियर है? यस। लाइफ साइकिल ऑफ बटर। खाली बटर लिख देते तो क्या हो जाता है? मक्खन। इसको जी नहीं समझ देना, वाई समझना। ठीक है, बटरफ्लाई के जिंदगी का चक्र समझेंगे। बटरफ्लाई मीन्स तितली। अब देखो एक चीज और, अब इसको बटरफ्लाई बोल दो, हनी, हमको लगा हनी में ही काम चल जाएगा, हनी बी बोल दो, मॉस्किटो बोल दो, सिल्क वॉर्म बोल दो, है ना? मतलब मिलता जुलता है, ठीक है, मॉस्किटो बोल दो, सब मिलता जुलता है ना, मोटा मोटी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, लाइफ साइकिल जैसे हम लोग फूड चैन का जैसे हम लोग पढ़े ने, उसी तरह से इसमें स्टार्ट होगा। इसमें स्टार्ट कैसे होगा? अंडा से। किससे? अंडा से। अंडा, गोल गोल अंडा। कुछ कविता तुम लोग राइम्स पढ़े थे, गोल गोल अंडा, हां तो स्टार्ट करते हैं ई फोर, एक बनाएगा आमलेट, आमलेट नहीं, लार्वा, क्या बनाएगा?
क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा। एक क्या बनाएगा? लार्वा। इसको कैटरपिलर भी बोलते हैं। लार्वा को और क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। कैट अपीलर मतलब कैट अपीलर नहीं ना कैटरपिलर। चलो मजाक कर रहे हैं। लाइफ साइकिल किससे स्टार्ट होगा? अंडा, गोल गोल अंडा से। अब बन जाएगा लार्वा। और लार्वा को ही फिर दूसरा नाम कैटरपिलर मतलब पुकारू नाम है वो ओरिजिनल नाम कर देते हैं। नहीं तुम लोग का नाम है सन्नी बन्नी मुन्नी चुन्नी नहीं रहता है घर पे ना? Yes, तो इसमें पहला स्टार्ट किससे होगा? नंबर वन स्टेप एक्स। आज नहीं ये वन टू ऐसे याद रखना है। Yes, सबसे पहले अंडा को लाना है। Yes. क्या लाएंगे? अंडा। तब ना अंडा का फंडा बनेगा और अंडा के बाद फिर दूसरा क्या हो जाएगा? अल्लाह कहीं नाम है दूसरा नाम क्या नाम है? कैटरपिलर। कोई दिक्कत? नो सर। अब कैटरपिलर क्या बनाता है? प्यूपा। प्यूपा क्या बनाएगा? प्यूपा। ये तीसरा नंबर। अब तीसरा जो है चौथा बना देगा एडल्ट। नीचे कर देते हैं नहीं तो तुम लोग गड़बड़ा जाता है। ज्यादा नजदीक हो जाता है तो तुम लोग को दिखता नहीं है। दिखता है जी? नहीं दिखता है। सच्चे में नहीं दिखता है। एडल्ट बटर फ्लाई ये हो गया चौथा नंबर। और फिर कोई दिक्कत? नो सर। पहला ए। अब पहले सुन लो, पहले सुन लो। अब तुम लोग थोड़ा ज्यादा तेज हो रहे हो। चाकू पता नहीं है कि तुम लोग छप से ऑमलेट बना देगा। काटने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट पेट में डाल दो। अब तो बताना नहीं है। पहले ए पहला नंबर, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा, चौथा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फिर से एक, एक फिर लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से चारों में तो कहानी खत्म है। हनी का भी अगर रहता, हनी बी का, हनी नहीं, हनी बी का भी रहता तो हनी बी अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से फिर प्यूपा, प्यूपा से हनी बी। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये क्लियर है? यस सर। यस सर। पहला कौन होगा? एक्स। लार्वा। धीरे धीरे दूसरा क्लास में डिस्टर्ब होगा आपको, तेज करिएगा। तो कैटरपिलर को ही लार्वा बोलते हैं, लार्वा को ही कैटरपिलर बोलते हैं। ये ध्यान में रखना है, ये नहीं कि गड़बड़ हो जाना है। और इसके बाद प्यूपा। पी यू पी ए दिक्कत होगा? अब इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को? आपका? चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए हम लोग फ्रॉक का पढ़ लें। yes, है फ्रॉक है ना, बड़ा तुम लोग फ्रॉक फ्रॉक कर रहा था भाई सुबह से, तो फ्रॉक भी बता ही देते हैं। मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना। क्या कर दे रहे हैं? फ्रॉक का भी पढ़ देते हैं, पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार कर दे रहे हैं क्योंकि ये बनाना भी है एग्जीबिशन के लिए आपको। अरे ये फिर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बकाई नहीं, ये तो है ही ना आपके पास, सारा चीज अवेलेबल है, इसको समझ लेना है। हाँ अगर आपसे एग्जीबिशन में कोई पूछेंगे तो बता दीजिएगा। यस सर। कोई बोले सर फूड चैट बनाए हो बेटा, ये कैसे स्टार्ट होता है,
तो सर घास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल, है ना, ईगल फिर डिकम्पोज में उसको बहुत सारे कीटाणु कीड़े मकोड़े उसको डिकम्पोज करते हैं, फिर मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी से फिर ग्रास, और ये ऐसे ही चक्र चलते रहता है और इसी चक्र को ही क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं सर। अब जो सर रहेंगे बड़ा खुश होंगे, यस सर, रटना नहीं है, है ना, क्या है, रटना नहीं है। अगर यही चीज पूछता लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई बताओ बेटा, तो सर अंडा से स्टार्ट होता है बटरफ्लाई के, और वो फिर जाकर क्या बनता है, लार्वा बनता है, लार्वा को ही दूसरे तरह से हम लोग कैटरपिलर भी बोलते हैं, और फिर उससे प्यूपा बनता है, उसका फिगर बना देना है, यहाँ पे फिगर नहीं बनाया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा बनाने में, ठीक है, आप लोग बनाकर समझा देंगे, और एक सुंदर सा फिर प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई, वेशक बटरफ्लाई, सुंदर सी तितली आती है, तितली फिर से अंडे को जन्म देती है, और वो फिर से पुनः इस तरह से ये पूरे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई चलता रहता है, जो इसमें से कोई एक खत्म हो जाए तो बटरफ्लाई हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, समझ गए। अब हम लोग फ्रॉग के पे आ जाते हैं, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए, बटरफ्लाई तक समझ गए, बटरफ्लाई की तरह ही हनी का भी रहेगा, मॉस्किटो का भी रहेगा मोटा मोटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या का पढ़ेंगे, फ्रॉग, फ्रॉग भी क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, फ्रॉग भी पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अंडे को जन्म, क्या करते हैं, अंडे को जन्म देते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर टैडपोल का आता है, टैड बॉल नहीं पोल, टैडपोल, दूसरा स्टेप एक के बाद क्या आएगा, टैडपोल, तीसरा टैडपोल विथ लेग, ठीक है, तीसरा जो है टैडपोल विथ लेग, है ना, फिर फ्रॉग लेग, फिर फ्रॉग लेग, चौथा नंबर फ्रॉग लेग, और चौथ फिर एडल्ट फ्रॉग, पांचवा। अब देखो इसमें कुछ है नहीं, आप लोग देखे भी होंगे, मेढक फ्रॉग को हिंदी में क्या कहते हैं, मेढक, ऐसे तुम लोग देहात में क्या बोलते हो, बेंग, है ना, बोलते हो ना, तो मेढक जब है अंडे, पहले अंडे से होगा स्टार्ट, ठीक है, अंडा क्या करता है, टैडपोल, छोटे छोटे मतलब मछली के तरह लगेगा कि मछली का बच्चा है, कभी पानी में देखे होंगे, एकदम छोटा छोटा लगेगा, उसमें कुछ है नहीं, तो वैसे ही तुम इतना छोटा सा रहेगा, एकदम छोटा सा, है ना, इस तरह का रहता होगा, रहता ना है, उसी में तुम सब कुछ लगता है, तो मछली है, मछली है, और उसमें जैसे ही हल्का सा पैर निकलता है तो उसको टैडपोल विथ लेग्स कहेंगे, है ना, पहले तो छोटा सा रहेगा, अंडा से वैसे ही बाहर आता है, और उसके बाद उसमें पैर के थोड़े से आसार विंग के तरह वो काम में आने लगते हैं, है ना, उसमें पैर की निर्माण होने लगती है, तो टैडपोल विथ लेग्स, और उसी के बाद फ्रॉगलेट, छोटा सा मेढक पूरी तरह से तैयार उस समय तक नहीं रहता है,
तो उस अवस्था को फ्रॉगलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉगलेट। क्या बोलते हैं? फ्रॉगलेट। और जैसे ही कुछ समय के बाद भोजन तो पानी चलते रहता है इसका, है ना, जैसे ही ये थोड़ा सा टाइम के बाद व्यस्क होता है तो उसको क्या कहते हैं? एडल्ट फ्रॉग। कोई दिक्कत? नो सर। अब किसी भी तरह का रहेगा तो सब फूड चैन लाइफ साइकिल तो इस तरह से सब हो जाएगा। यस सर। सिर्फ उसमें सेट कर देना है, हो जाएगा। यस सर। अब किसी का भी रहेगा तो बनाना जान जाओगे कि लाइफ साइकिल कैसे बनेगा। यस सर। बीच में लाइफ साइकिल लिख देंगे। अब देखो एक चीज और बता रहे हैं, जब आपसे कोई पूछे डिस्क्राइब फूड चैन तो उसको डायग्राम के साथ बनाइए। डिफिनेशन जो भी है उसको स्टार्ट कैसे होता है वो तो लिखेंगे ही। अगर 10 नंबर का है, 5 नंबर का है, 8 नंबर का है, मतलब एक या दो नंबर का नहीं है, 3 नंबर से अधिक है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे? डायग्राम, मतलब ये पूरा इस तरह का बनाएंगे तो टीचर खुश होकर क्या करेंगे? फुल में फुल मार्क्स देंगे, है ना। फुल में फुल मार्क्स। अगर आपको डिफिनिशन नहीं भी आ रहा है अच्छे से लिखने में या टाइम कम है तो फटाक से क्या करेंगे? ड्राइंग नहीं करेंगे, ऐसे तुरंत बना देंगे नाम लिखकर। तो टीचर समझ जाएंगे इस बच्चे को अच्छे से आता है, पता है क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। अब जैसे वो उनको समझ में आ जाएगा, अरे बच्चा तो सारा जान रहा है, अंडा से निकलता है, टैडपोल से निकलता है, टैडपोल विद लेग्स से निकलता है, फ्रॉगलेट से निकलता है एडल्ट फ्रॉग। अगर इस तरह से कोई समझाओगे आप लोग तो आप लोग का नंबर क्या आएगा? फुल। और छोटे बहन को, मम्मी को, पापा से आराम से डिस्कस करोगे तो ये पूरा दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। आप कभी जिंदगी में कभी भूलोगे? नो सर। एबीसीडी कभी भूलते हो? नो सर। भूल जाते हो? नो सर। आ? तो इसी तरह से आप लोग जहाँ आप लोग का बेडरूम है वहां सब जो पढ़ते हैं ना उसको पूरा फिगर बना बना कर चिपका के रखिए, है ना। यस। जैसे सेल सृष्टि को पता है, उस सेल बनाइए, उसको चिपकाइए, सेल में क्या है, मेम्ब्रेन कहाँ है, है ना। अब स्केल्टन अगर पढ़े हैं तो स्केल्टन का भी मतलब बना के रखेंगे, कौन सा रिब केज किसको कहते हैं, बैकबोन कौन सा है, वर्टिब्रा को, मतलब जो भी है, है ना, जॉइंट कहाँ कहाँ है, तो याद रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। डायग्राम बहुत ही सटीक चीज है किसी चीज को याद रखने के लिए। साइंस में डायग्राम मस्ट है, बिना डायग्राम के आप साइंस में दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं। थोड़ा सीधा बैठिए नंदनी, बड़ा दिक्कत हो रहा है। बताओ हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को बैठने में तकलीफ है, खड़ा कर दें? नो सर। खड़ा होकर आप लोग भी पढ़िएगा? नहीं ना, तो ये दिक्कत नहीं। तो फूड चैन भी क्लियर, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई क्लियर, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग क्लियर, और क्या, प्लांट का तो सब जानते हो तुम लोग, जान बूझ के तंग करता है। नहीं, तंग नहीं करता है तो नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं, बता दे, है ना। खाली यस सर, लेकिन हम पूछते हैं तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाता है, है ना। प्लांट में सीड, पहला सीड से स्टार्ट करते हैं। आम खाए हो? यस सर। देखो आप ये बोल सकते हो कि सर आम का कलम नहीं लग सकता है, लेकिन ज्यादातर प्लांट किससे होते हैं? अधिकतर, और भी तरीके हैं, है ना, स्टीम लगाकर होता है, है ना, नहीं स्टीम लगा देते हैं, गुलाब देखे हो स्टीम काट कर लगा देते हैं तो हो जाता है, उड़हुल देखे हो लगाते हैं तो हो जाता है, इस तरह से बहुत सारे चीज लगाते हैं तो हो जाता है। तो अब देखिए, लेकिन अधिकतर मोस्टली मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ग्रोन फ्रॉम सीड। तो पहले क्या है? सीड। क्या है?
सीड से स्टार्ट होता है। पहला क्या है? सीड। सीड के बाद क्या होगा? जर्मिनेशन। है ना? दूसरा क्या है? जर्मिनेशन। दूसरा क्या है? मतलब सीड में प्लांट का भोजन पानी सब छिपा हुआ होता है जर्मिनेट करने के लिए। लेकिन जर्मिनेट करने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। जर्मिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को डिफाइन भी लिखवा दिया गया, हम उतना नहीं जाएंगे। इसमें दो तीन चीज बहुत जरूरी है, सनलाइट, वाटर के जगह मॉइस्चर लिख लेते हैं, है ना? ठीक है। और सनलाइट के जगह टेम्परेचर कर लीजिए समझने के लिए, ठीक है। जर्मिनेशन कैसे होगा वो समझ लीजिए थोड़ा सा। सही टेम्परेचर अगर मिले, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, है ना, सही हवा मिले और मॉइस्चर सही, नमी भी सही मिले, है ना। नमी का मतलब पानी से है, ठीक है। अगर ये तीन चीज उसको सही मिलेगा तो सीड क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा, जर्मिनेशन के प्रोसेस में आ जाएगा, अंकुरित होने लगेगा, है ना। क्या होने लगेगा? अंकुरित होने लगेगा। आप लोग देखते होंगे चना खाए हैं, मूंग तो सब लोग खाए हो। मूंग को जैसे ही हम लोग पानी में भिगोकर या पानी में हल्का छींटा मारकर बांध देते हैं कपड़े में, तो जल्दी अंकुरित होता है। लेकिन पानी में छोड़ दो तो होगा? मतलब पानी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए, एक लिमिट मात्रा में चाहिए, और उसको हवा भी मिलते रहना चाहिए। अब देखो भींगा कपड़ा में बांधते हैं तो मॉइस्चर भी मिला, हवा भी मिलते रहा, टेम्परेचर भी उसको ज्यादा और कम जितना चाहिए वो अपने हिसाब से हो जाता है। कुछ तो टेम्परेचर होगा ना। अब उसको फ्रीज में रख दो, होगा? नहीं होगा। अब जैसे अभी सुबह सुबह आते हो तो ठंडा लगता है स्कूल, उसके बाद धीरे धीरे फिर जाते जाते थोड़ा सा और ज्यादा अधिक बढ़ता है, शाम होते होते टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर ऊपर नीचे होते रहता है। Yes, sir. तो जैसे ही अगर फ्रीज में डालते हैं तो ये टेम्परेचर उसका उतना जितना चाहिए सीड को वो मिलना बंद हो जाएगा, तो जर्मिनेशन नहीं होगा। इसीलिए कपड़ा में जैसे ही मूंग को भीगा हुआ कपड़ा में बांध कर रखते हैं, एयर मिला, एयर तो सब जगह है। अगर एयर नहीं होता तो हम लोग, है ना, वी आर ऑल डेड। नहीं, डेड हो जाते हैं यहाँ। अगर हवा नहीं रहता तो डेड होते कि नहीं? रिस्पायरेशन बंद हो जाता, हो जाता। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो फैन ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। ठंड है तो फैन ऑफ है। क्लियर है? तो जर्मिनेशन में क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, सही टेम्परेचर, सही एयर की मात्रा और सही मॉइस्चर। मॉइस्चर भी, अब ये नहीं कि पानी में डुबा दो, अब नहाना है मतलब पानी में डूब कर, नहीं ना, हल्का पानी से नहा लो हो जाता है। अब टंकी में बोलो कि हम टंकी में डूब कर नहाएंगे तो पूरा अच्छे से साफ हो जाएगा तो होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। मतलब तीनों क्या चाहिए? मात्रा, राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर। तो क्या होगा? जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा जी? क्या सुमन त्रिपाठी, हो जाएगा? अब जर्मिनेशन के बाद रूट एंड
सूट, रूट एंड सूट ग्रो करता है, क्या करता है? ग्रो करता है, रूट और सूट इसमें डेवलप होता है, जर्मिनेशन के बाद रूट जड़ लगेगा, अब जड़ के ऊपर का भाग थोड़ा सा बड़ा होता है, तो तीसरा क्या हो जाता है, रूट और सूट, उसके बाद फर्स्ट लीफ, ये फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पहला पत्ता आता है, फर्स्ट लीफ है ना, सॉरी, एंड फोटोसिंथेसिस होने लगता है, इसमें जब तक भोजन था यहां तक ले आता है, आम का गुठली देखे हो, जब तक पत्ता नहीं आता है उसमें, तब तक उसमें गुठली लगा हो जाता है, लेकिन अच्छे से जब पत्ता आ जाता है तो उसका गुठली खत्म हो जाता है, फिर रह जाता है, मतलब उतना भोजन उसमें स्टोर रहता है, जब तक फोटोसिंथेसिस की क्रिया को करने ना लगे तब तक उसका सीड उसके साथ ज्वाइंट रहता है, क्योंकि उसी में फूड स्टोर है, खाना उसका कहाँ है स्टोर, जब तक वो बड़ा ना हो जाए, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक प्रकार की क्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें पेड़ अपने भोजन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट, CO2, वाटर, है ना, तो फोटोसिंथेसिस होगा, और जैसे ही पहला पत्ता उसमें दो आते हैं तो फोटोसिंथेसिस होने लगेगा, मतलब भोजन, यहां देखो जड़ बन गया, सूट बन गया, रूट जैसे ही बना तो रूट क्या करता है फंक्शन में, वाटर को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की ताकत आ जाएगी, यहाँ ग्रो हो रहा है रूट और सूट दोनों, सूट क्या करता है सब जगह तक पत्ते तक पहुंचाता है, जैसे ही ग्रो हुआ इसमें पत्ते आने लगे, पत्ता जैसे ही आएगा फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी, होगी कि नहीं, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया जैसे ही होगी वो अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही स्टार्ट कर देंगे ग्रो टू एडल्ट प्लांट बन जाएंगे, ग्रो टू एडल्ट, हम इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा बड़ा है तो इधर नहीं लिख पाएंगे, तो पांचवा नंबर में क्या हो गया, और उसके बाद जब पेड़ बनेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसमें फल लगेगा, फूल लगेगा, इससे फ्लावर, अब जैसे ही फ्लावर या सीड फूड बनेगा इसमें सारा चीज बनने लगेगा, अब फ्लावर होगा, फ्लावर से फ्रूट लगेगा, फ्रूट में क्या होता है, होगा, फिर तुम ढेला मारोगे आम के पेड़ पर, आम गिरेगा, गुठली खाओगे, गुठली खाओगे, हम बोला गुठली भी खा लोगे, आम खाओगे और गुठली फेंकोगे, ये है ना, आम मजा आया, गुठली कुछ ही खाएंगे, हट, तुम गुठली क्या किए, बीगे, और गुठली गया फिर चिड़िया बरगद का पेड़ पे फल लगता है, चिड़िया उसको खाते रहती है, पीपल बर के पेड़ पे, और वो पोटी करती है चिड़िया कहीं ना कहीं, ताल के पेड़ पे बैठते देखे हो, नहीं देखे हो, देखे हो ताल के पेड़ में बहुत सारा पीपल उग गया, और कहां ऊपर में उगा, नीचे में नहीं उग रहा है, अब आधी धूल चला तो उसमें मिट्टी का अंश किसी तरह से चला गया, उसको मॉइस्चर मिल गया, एयर मिल गया, तो टेम्परेचर तो जर्मिनेशन हो जाता है, यस सर,
और वो धीरे धीरे जड़ अपना नीचे की ओर किसी तरह से मिट्टी के पास में आ जाता है, तो बड़ा रूप ले लेता है। आप समझ गए? तो डिस्पर्सल ऑफ सीड हम लोग पढ़े हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड, तो इसमें डिस्पर्सल ऑफ सीड काम करता है। सीसम का देखे हो? कहीं भी उग जाता है पेड़। बैर देखे हो? क्यों? अब इंसान तो खाए ही खाए, हवा से क्या होता है, उड़ता है बहुत सारा सीसम का बीज। तो बहुत सारे पेड़ों के बीज क्या होते हैं, या एक्सप्लोजन ऑफ सीड भी होता है। रेड़ी का पेड़ देखे हो? उसका बीज फटता है, और फटता है तो दूर जाके गिरता है बीज, वहां पे नहीं गिरता होगा। पॉप 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 दूसरे जगह जाके गिरा, और दूसरे जगह जाके गिरेगा तो फिर सीड से जर्मिनेशन के बाद समझ गए? तो मतलब बहुत सारे जब सीड बनेंगे तो बहुत सारे मेथड हैं, नेचुरल मेथड हैं, हम लोग के जरिए हैं, एनिमल्स के जरिए। देखते होंगे कुछ चिपक जाते होंगे, भैंस जानवर कुत्ता बिल्ली जो जंगल उंगल में रहते हैं उसमें हमेशा चिपक जाता है, नहीं देखे वो काटा जैसा कुछ रहता है उसमें। तो वो सीड है एक प्रकार का। अब वो कहीं भैंस में गया, अब वो फिर दूसरे जगह किसी तरह से वो छूट के गिरेगा तो वहां हो जाएगा। अब समझ गए? अब इसमें कोई दिक्कत कि नहीं को? प्लांट में, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में किसी को किसी भी प्रकार का दिक्कत? नो सर। कोई भी समझा देंगे? यस सर। अब जर्मिनेशन कैसे होगा भाई, वो बता देंगे? यस सर। रूट और शूट जैसे ही तैयार होगा वो ग्रो आगे, और उसके बाद जैसे ही फर्स्ट लीफ जैसे ही ग्रो होता है भोजन बनने लगता है, और जब एक बार किसी का भोजन बनने लगता है तो जल्दी खत्म होता है? नो सर। इसीलिए देखना, जिसका एक बार जड़ बहुत अच्छा चला जाए अंदर, और उसके तोड़ दो या काट दो बार बार, लेकिन वो बार बार हो जाता है। यस सर। है ना? Yes. वो किसी तरह से वो अपना फोटोसिंथेसिस करते रहता है ना? Yes, कि नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, तो हम लोग आज जो जो पढ़े क्लास में किन्हीं को कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, ये आप लोग को नोट भी मिल जाएगा, असाइनमेंट में तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी एग्जाम के चलते आप लोग को असाइनमेंट बंद है, फाइनल एग्जाम जो है मार्च में, तो आप लोग उसका भी तैयारी करें। और एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार का इस तरह का साइंस या एसएसटी में आता है तो आप लोग कैसे बताओगे पता है? यस सर। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम टू गेट मोर मार्क्स। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा नंबर चाहिए तो साइंस में और एसएसटी में डायग्राम का जरूर हेल्प ले। डायग्राम बना के बताओगे टीचर खुश हो जाएगा। टीचर को रसगुल्ला नहीं चाहिए, अच्छा वाला क्वेश्चन चाहिए, उसका आंसर अच्छा चाहिए, राइटिंग सुंदर होना चाहिए। किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर। किन्हीं को भी? नो सर। अगर दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिए, फिर से समझा देंगे। अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।